ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है और अब इसे कम करने के लिए गायों को मास्क लगाने की योजना बनाई जा रही है। शायद आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएं, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि गायों की डकार से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, जो ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी को गर्म करने में जिम्मेदार भी है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट ने एक आविष्कार किया है जो गायों की डकार से निकलने वाली मीथेन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल देता है। अब आपको भले ही यह आविष्कार सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन इस आविष्कार का समर्थन प्रिंस चार्ल्स ने भी किया है। इसके लिए गायों के मुंह से मीथेन गैस खींचने के लिए उनके मुंह पर एक डिवाइस लगाया जाएगा जो एक मास्क की तरह होगा। ये गैस यहाँ से कन्वर्ट की जाएगी, जहाँ से इसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। इस आविष्कार को बनाने वाली कंपनी जल्प नाम की एक स्टार्टअप कंपनी है और कंपनी का दावा है कि इसके मास्क के जरिए गायों की डकार से निकलने वाला मीथेन 53% कम हो गया है, जिसे अब बढ़ाकर 60% तक ले जाया जाएगा। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस चार्ल्स ने अपनी विजिट के दौरान इस आविष्कार को बहुत बढ़िया बताया है, साथ ही आविष्कार के लिए कंपनी की जमकर सराहना भी की है।